अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एक्सपोनेंशियल फ्लोरियर सीरीज से रिलेटेड करता है। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो काफ़ी इजी है, क्योंकि इस तरह के जो पॉइंट हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अब जब हमने इसको सॉल्व करना है, वो इस बार हमने सॉल्व करना है इसको एक्सपोनेंशियल फ्लोरियर सीरीज के अंदर, ताकि अपनी जो फॉर्म है और सिंप्लीफाइड तरीके से बना सकें हम लोग। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने वैसे जनरल फॉर्म में ही करवाना, क्योंकि जो हम स्टार्टिंग की फॉर्म थी वो शुरू में देख चुके हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ इक्वेशन वगैरह बनती हैं। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्म के अंदर अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा कि इसका एनालिसिस इक्वेशन क्या लिखूँगा मैं, तो एनालिसिस इक्वेशन कह रहा हूँ, पहले सिंथेसिस इक्वेशन लिखनी है। तो सिंथेसिस इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, सिंपल आपको एक्सपोनेंशियल फ्लोरियर सीरीज है तो उसके अंदर जो भी हमारे पास कोफिशेंट होते हैं वो क्या होते हैं उसको सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, सम ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यूज होती हैं, और यहाँ पर सी एन आता है। ठीक है, सी एन एंड ई की पावर जे एन ओमेगा टी। तो आपके पास सिंपल ये इक्वेशन होती है एक्सपोनेंशियल फ्लोरियर सीरीज की। ठीक है, जो कि आपको सिंथेसिस इक्वेशन गिवन होती है। अब आपको इसके अंदर कोफिशिएंट निकालने होते हैं सी एन। ठीक है, तो सी एन किस तरह निकालते हैं, वो हम एनालिसिस इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे। तो सी एन निकालने का फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेते हैं। वन अपॉन टी, फिर जीरो से लिमिट आएगी टी, एंड देन आपके पास एक्स ऑफ टी। ठीक है, देन फंक्शन आपको लिखना माइनस जे ओमेगा टी, और साथ में एन भी लगाना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, और ये डी टी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर करना क्या है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले सी एन की एक्सप्रेशन निकालनी है। तो सी एन की एक्सप्रेशन निकालने से पहले सबसे पहले हम अपना टाइम पीरियड और ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ओमेगा की जो वैल्यू है मेरे पास, सबसे पहले तो मेरे पास टी की वैल्यू कितनी है, थ्री। तो मैं टी नॉट निकाल देता हूँ 3 सेकेंड, और ओमेगा क्या निकालूंगा, ओमेगा मैं निकालूंगा 2π/T। तो 2π/T का क्या मतलब है, 2π/3 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा का, 2π/T। तो टी की जगह हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया है। तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं। अब आपको करना क्या, सबसे पहले इसके अंदर सब्सटीट्यूट करनी है और इसकी लिमिट आपको पुट करनी है। अब लिमिट कैसे निकालेंगे, और इसका जो फंक्शन है एक्स ऑफ टी का वो कैसे लिखेंगे। तो लिमिट आपने यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक जो के अपर पार्ट है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है, एंड देन लोअर पार्ट है जिसका एम्पलीट्यूड 0 है फ्रॉम 1 to 3 टाइम पीरियड। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, आपने जो 0 वाली टर्म है आपने उसको भी स्किप करना है, क्योंकि जब भी आप 0 एक्स ऑफ टी रखेंगे यहाँ पर तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिंपल जिसका एम्पलीट्यूड 1 है, ठीक है, हम उसको कंसिडर करेंगे ताकि जो फंक्शन है वो कैंसिल आउट ना हो। तो मैं यहाँ पर, और इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर कब तक ऑन है, ये 1 जो आपको दिख रहा है कब तक ऑन है, 0 से लेकर 1 तक जो टाइम पीरियड 1 है तब तक ऑन, ये ऑन है। तो अब करना क्या है, सिंपल इसको क्या करना है, सी एन की वैल्यू लिखेंगे 1/3 × 0 से 1 टाइम पीरियड लिख दिया मैंने, एक्स ऑफ टी मेरा आ गया 1 जो फंक्शन है, और ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन टी आ गया। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो ये बन जाएगा 1/3 × 0 से 1, और ये एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2π/(n)t/3 dt। ठीक है, आपने यहाँ तक कर लिया। अब आपने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है। तो 1/3 हो गया ये, और जब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये बनेगा, जब फंक्शन होगा आपके पास एज इट इज आ जाएगा 2π/(n)t। ठीक है, 2π/(n)t/3, और यहाँ पर डिवाइड में क्या बन जाएगा, जे 2π/(n)। यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, यहाँ पर मैंने एफ नहीं लगाया वो कहीं पे भी, तो एफ लगाना है लाजमी, एफ लगा ले, बल्कि सॉरी एफ कह रहा हूँ मैं, हमने ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट जब पुट की हुई तो कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास सिंपल एक ही एक्सप्रेशन बनेगी, और यहाँ पर 1 और 0 आपको पुट करनी है लिमिट। तो
और यहाँ पर डिवाइड बाय 3 आना था, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपके पास क्या बनेगा, 1/j 2πn, j 2πn, और यहाँ पर e की पावर -j 2πnt/3, ठीक है। और यहाँ पर 0 से 1 इसकी लिमिट हमने पुट करनी है, या लिमिट ऐसा करते हैं कि इसी के अंदर पुट कर देते हैं। जब मैं लिमिट पुट करूँगा यहाँ पर टी की जगह 1, तो सिंपल 1 हो जाएगा, और ये माइनस करूँगा तो ई की पावर 0 में डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि जब 0 रखूँगा मैं यहाँ पर तो ये पूरी की पूरी टर्म ओवरऑल 0 हो जाएगी। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरा आंसर क्या बनेगा, वो ये बनेगा 1/j 2πn, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा e की पावर -j 2πn, ये 2π है, n/3, ठीक है, और ये -1। तो आपके पास सिंपल फॉर्म ये आ गई है, और बल्कि यहाँ पर हमने एक चीज़ और मिस कर दी है, जो कि हमने इंटीग्रेशन के अंदर मिसिंग की है, वो ये है कि माइनस साइन को हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया। तो माइनस साइन को यहाँ पे लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे तो यहाँ पे सिंपली -1 बनेगा और ये प्लस ई बन जाएगा। तो अब इसको भी यहाँ पे सही करना पड़ेगा, तो उसको मैं इस तरतीब से लिखूँगा, 1 को पहले लिखूँगा, 1 -e की पावर -j 2πn/3। तो आपके पास कुछ ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी, जो कि आपके पास एक्सप्रेशन है सी एन का, ठीक है। तो हमने सी एन का एक्सप्रेशन कुछ ये निकाल लिया है। अब इससे आपको वैल्यूज निकालनी है 1 by 1, तो वो किस तरीके से करेंगे, वो आप कैलकुलेटर के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। वो इस तरीके से करेंगे कि आपको यहाँ पे जाना, मॉड को प्रेस करना है, 2 पर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स, तो आपने यहाँ पर 2 की वैल्यू प्लेस करनी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक मतलब इक्वेशन लिखनी है, और एक चीज़ और, इसको लिखने से पहले जब मुझे सी नॉट निकालना होगा, तो सी नॉट के लिए क्या करता हूँ मुझे सबसे पहले यहाँ पर करना पड़ेगा एन की वैल्यू 0। जब एन की वैल्यू मैं 0 रखूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन रहा होगा। और जब यहाँ पर मैं 0 रखूँगा तो ये होल पावर क्या बन जाएगी, 1। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और डिवाइड में भी 0 हो गया, तो इन शॉर्ट ये क्या बनेगी, 0/0। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाती है। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बचने के लिए हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना होगा। किसके रिस्पेक्ट से, रिस्पेक्ट ये होगी कि हमें एन के रिस्पेक्ट से एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करना है, कि आप उसको नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को क्या कर दें, वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर दें। तो अगर मैं इसको डेरिवेट लूँगा तो क्या हो जाएगा, मुझे -1 है तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको इन शॉर्ट इसके नीचे अगर आप लिख लें, ठीक है, या हम नोमिनेटर का तो पहले अलग ही निकलेगा और डिनोमिनेटर का अलग निकलेगा, तो 1 का 1 कांस्टेंट है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 0 हो गया। एंड देन फिर ये -e j 2π/3n एज इट इज आ गया, ठीक है। और अपॉन में जब इसका जब डेरिवेटिव लूँगा एन के रिस्पेक्ट से, तो क्या बनेगा, तो सिंपल ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जब डेरिवेटिव लूँगा तो इसकी जो पावर है वो भी यहाँ पे आएगा, 2π/3n के रिस्पेक्ट से मैंने ये डेरिवेट कर दिया, ठीक है। अब क्या बनेगा आगे, j 2π n, जब इसको रिस्पेक्ट करूँगा j के रिस्पेक्ट से, n के रिस्पेक्ट से, तो बनेगा j 2π। तो और यहाँ पर भी j लगेगा क्योंकि यहाँ पर j था मौजूद, तो आप यहाँ पर 2π j कैंसिल कर देंगे, 2π j कैंसिल हो गया। तो इन शॉर्ट आपके पास टर्म क्या आ गई है, 1/3 माइनस के, ठीक है, e की पावर j 2π n/3। तो आपके पास एल हॉस्पिटल रूल के अंदर ये वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यूज़ क्या पुट करनी है, 0 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, -1/3 e की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू -1/3। तो आपके पास इन शॉर्ट क्या आ गया आंसर, -1/3। तो आपने बस यहाँ पर सी नॉट की वैल्यू इस तरह निकाल ली है। अब सी वन की वैल्यू है और सी टू की वैल्यू है,
ये कैसे निकलेगी अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको वो एक्सप्रेशन चाहिए जो कि आपने सी एन के लिए निकाला था, तो वो जो सी एन के लिए एक्सप्रेशन निकाला था उसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। तो ये मेरे पास सी एन का एक्सप्रेशन आ गया है। अब सिंपल आपको करना क्या है, अब आपको 10 वैल्यूज़ निकालनी है, तो मैं वीडियो में 6 वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली निकलवाऊंगा ताकि +3 के 3 और -3 के अलग, ठीक है। तो जब आपको C1 निकालना होगा, C1 तो आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ n है और यहाँ पर j था, जहाँ जहाँ n है आपने वहाँ वहाँ इनपुट करना है, 1 पुट करना है। तो अब इसको यहाँ देख लेते कैलकुलेटर में, 1/j को हम i से शो कर सकते हैं, i 2 शिफ्ट दबा के पाए, एन की वैल्यू हो गई 1, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, तो ये क्या बन जाएगा, ये ब्रैकेट किया 1 माइनस, अब मैं इसको जो लिख रहा हूँ अब मैं आपको बताता हूँ मैंने लिखा क्या है, कॉस कॉस ले लूँगा और यहाँ पर पाई की वैल्यू एन है तो 120 माइनस साइन 120 और यहाँ पर आई, यहाँ क्या मिस्टेक हो गई है, 1 cos 2π दिस दिस एंड दिस, ठीक है। शिफ्ट दबा के आई, मिस्टेक हो गई है, बट यह अच्छा देखिए मैं करके आ रहा हूँ, मैं इन शॉर्ट कर ये रहा हूँ, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ, 1/ j2π n इंटू 1 माइनस। अब जो ये वाली टर्म है ये किसके बराबर होती है, ये जो आयलर आइडेंटिटी है यहाँ पर आप लगाएंगे ब्रैकेट लगा के कॉस, जो भी एंगल है वो आपको इसके अंदर लिखना है, तो एंगल क्या है 2π n, तो 2π n/3, ठीक है, माइनस का था तो माइनस लगा दिया, तो साइन आएगा, साइन टू पाए n/3, ठीक है। मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पर j लग जाएगा साथ में, तो मैं अपनी इक्वेशन के अंदर यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और मैं अपना आंसर यहाँ पर वेरीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर करते क्या है, दोबारा से कर लेते हैं, 1/2π i, ठीक है, ब्रैकेट 1 cos 120 और ब्रैकेट 1, फिर आएगा माइनस, फिर ब्रैकेट साइन 120 i इंटू ब्रैकेट 1। तो जो मेरे पास आंसर आया है वो इस फॉर्म में आया है, 0.13, तो 0.137 और -238, 0.137। तो आपके पास C1 का आंसर आया है, अब इसको हमें पॉलर में निकालना होगा, C1 आया 0.317 और -0.238 जे, ये काम हो गया। अब आपको क्या निकालना है, C-1, तो C-1 के लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपने माइनस लिया हुआ है तो आपको एंगल में क्या करना पड़ेगा, सिंपल माइनस लेना पड़ेगा। तो इसके लिए तरीका क्या है, खोल देते हैं इसको वापस, तो इसको चला लेते हैं दोबारा से, तो 1/1
पाई आई, ठीक है, एन की वैल्यू माइनस वन है तो आपको यहाँ पर माइनस वन में यहाँ पे पहले ही लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माइनस पहले ही लगा दिया। देन अब क्या करना है, ब्रैकेट लेनी है आपको, इसको ब्रैकेट ले ली वन माइनस कॉस माइनस 120, क्योंकि जब आप माइनस वन यहाँ पुट करेंगे तो जो यहाँ पर आप माइनस वन देख रहे हैं जो एन के अंदर आ रहा है ई की पावर में आ रहा है, ये माइनस वन क्या बन जाएगा, प्लस, ये प्लस की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, प्लस जे बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर माइनस 120 पुट करने की फिर ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पर 120 पुट करना है और ब्रैकेट बंद, फिर प्लस आई, ठीक है, जो कि जे की वैल्यू है, फिर यहाँ पर लिखना है आपको साइन 120 ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद, तो माइनस 0.137, तो वैल्यू देखे सेम आएगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम। अब आपको देखें एक चीज़ से आइडिया हो गया, आप एक चीज़ से फेमिलराइज हो गए, अगर आपने सी वन निकाल लिया तो आपको सी टू सी माइनस वन निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जहाँ पे साइन है वहाँ पे आपको अपोजिट साइन करने पड़ेंगे और बाकी सब चीज़ें सेम है, 278J, ठीक है। इसी तरीके से C2 निकालना है और C3, तो जो मैंने वैल्यूज निकाली हुई हैं तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से निकालना है, तो C2 जो निकालेंगे वो इस तरीके से निकलेगा, आपको जो इक्वेशन के अंदर क्या पुट करना है, अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है 2 की, तो कैलकुलेटर में चले करके देख लेते हैं अगर ये डायरेक्ट पुट हो जाती है तो, ठीक है, तो यहाँ पर ये पुट नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है निकाल लेते हैं, या फिर मैं आपको इसको बता देता हूँ ऐसे, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं डायरेक्ट ही, तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो है -0.068506 85, ठीक है, और यहाँ पर प्लस, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, माइनस है -0.118J, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, C-2 के लिए भी लिख लेंगे, C-2 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो चीज़ वैल्यू नेगेटिव के अंदर उसको आपको पॉजिटिव में बनाना है, 0.0685, और माइनस यहाँ पे भी माइनस था तो यहाँ पे भी आपको प्लस करना है बस 118J, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो वैल्यूज हो गई हैं, C3 की वैल्यू जो है C3 और C-3, ये बोथ वैल्यूज आर 0, ठीक है। तो मैंने इसी तरीके से C3 तक निकाल लिया है, आपने इसी तरह फर्दर काम करना है, C-5 से लेकर C+5 तक निकालना है ताकि 10 वैल्यूज़ आपकी प्रॉपर हो सकें। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मुझे यहाँ पर इसको चेंज करना है पोलर के अंदर, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक मैग्नीट्यूड भी चाहिए अपना, ठीक है, और सेकेंडली मुझे वहाँ पर एंगल भी चाहिए, तो एंगल को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो अब हम वो देखेंगे। तो आपको, आपने जो सेटिंग कॉम्प्लेक्स में की हुई थी, आपको सबसे पहले उसको ख़त्म करनी है, आपने शिफ्ट दबाना है 9 दबा के उसको पहले, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ऑल पर क्लिक करना है, इक्वल टू का साइन, ठीक है, तो आप ये साइन का ख़त्म कर लिया। अब आपको सिंपल यहाँ क्या करना है, आपको एक शिफ्ट दबाना है, आपने सिंपल किसी एक वैल्यू के लिए काम करना है ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपको POL दिख रहा होगा, आपने यहाँ दबाया और वैल्यू क्या है आपके पास, 0.317, ठीक है, फिर कॉमा, यहाँ कॉमा क्या है, शिफ्ट दबा के कॉमा लगा लिया और क्या है, माइनस 0.07878, ठीक है, और ब्रैकेट आपने बंद कर देनी और इक्वल दबाना है, तो आपके पास क्या आ गया एंगल, 0.4216 और एंगल -41। नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है शायद हमसे, तो इसको दोबारा देख लेते हैं, 0.137 माइनस दिस, तो यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक और हुई हुई है जो कि अभी मैंने कैलकुलेट की है, कंप्यूट की है, यहाँ पे 0.137 था
मैंने 317 लिख दिया है, तो यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, 038 एंड 137 है यहाँ पर, तो 137। ठीक है, तो अब कंप्यूट करते हैं इसको। तो शिफ्ट दबा के ये पोल दबाएंगे, ठीक है, 0.137, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट, फिर माइनस 0.238 इक्वल्स टू, तो अब जो आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक है, 0.27 और एंगल -60, ठीक है, 0.275 फिर 274। तो इसका ही मैं इक्विवेलेंट क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ही आगे लिख रहा हूँ, प्रोसीड कर रहा हूँ, 0.274 एंगल -60। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, आप बस आपने याद रखना है कि जब भी पोलर के अंदर चेंज करना है तो हमेशा एंगल चेंज होता है, अगर आप माइनस की वैल्यू भी निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर कॉन्जुगेट ले रहे हैं, मतलब कॉन्जुगेट का मतलब ये C1 है और फिर C-1 है, तो बस आपको यहाँ पर जो भी एंगल है आपको उसका साइन चेंज करना है, अगर नेगेटिव है तो उसको आपको पॉजिटिव करना है। ठीक है, इसी तरीके से अब हमने निकालना है C2। C2 किस तरीके से निकलेगा अब वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर शिफ्ट जाएंगे दोबारा, यहाँ पर जाके PUL, फिर है 0.317, 0.317 फिर प्लस, प्लस नहीं, यहाँ पर शिफ्ट दबा के कॉमा 0.278 और ब्रैकेट बंद, तो 0.42 और ये 0.41, तो 0.41 इस तरीके से आपके पास जो एंगल है इसको आपको कंप्यूट करना है। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे -0.317 था तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यू लिख दी है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं पहले। तो दोबारा से कर लेते हैं, PUL दबाएंगे, शिफ्ट PUL -0.317, शिफ्ट दबा के कॉमा, फिर एंड देन 0.278, तो 0.42 एंगल 138। ठीक है, 0.42 और एंगल क्या आ गया, 138। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, 0.42 एंगल 138, और सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या करना है, 0.42 एंगल -138। इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब इसी तरीके से आपने बाकी रीडिंग्स भी निकालनी है C5 तक। तो अब हमने करना क्या है, अब इसकी हमने प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग किस तरीके से होगी, मैं प्लॉटिंग बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं आपको 5-10 की 10 वैल्यूज़ के बारे में बता दूंगा यहाँ पर। तो करना क्या है, सिंपल, आपको एक वैसे ही लाइन लेनी है, दोबारा से मिटा दें, ठीक है, ये हमने एक लाइन ले ली है, और यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है। मार्किंग वैसे ही करनी है जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, 1 ओमेगा और 2 ओमेगा करके। हम यहाँ पर 5 वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 5 वैल्यूज़ बना रहा हूँ, ठीक है, +5 की वैल्यू ले रहा हूँ, जबकि हमने 3 वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूट करके पहले से ही लिखी हुई है, तो हम उसके मुताबिक काम कर लेंगे। ठीक है, 3, अच्छा ये इक्वी डिस्टेंस पे बनानी है, क्योंकि यहाँ पर कम ज़्यादा हो गया है, तो इसको भी सेट कर लेते हैं, और इसको यहाँ से लाइन मिटा लेते हैं, और यहाँ पे यहाँ से ये मिटा लिया, रब कर लिया, और फिर दोबारा लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सब वैल्यूज़ के लिए निकाली हुई है वैल्यूज़, तो हम क्या करेंगे, सिंपल अब प्लॉटिंग करेंगे। तो प्लॉटिंग करने के लिए आपको मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ, और पहली वाली जो वैल्यूज आई थी हमारी क्या आई थी, प्लस के अंदर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन ओमेगा, इसी से ही लिख देते हैं, एन ओमेगा
ठीक है, या सिंपल एन ओमेगा नहीं, यहाँ पे सिंपल वन डाल देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और जो ये स्केल है वो क्या है, वो है एन ओमेगा का स्केल, एन ओमेगा, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से मैंने स्केलिंग कर दी है। अब जब मेरे पास पहली वैल्यू आई थी वो आई थी 0.275, तो मैं यहाँ पर पहली जो मार्किंग है वो कर देता हूँ। इसी तरीके से आपने -1 के ऊपर भी यहाँ पर मार्किंग करनी है, तो ये -1 है, ठीक है। और सेकंड वैल्यू फिर हमारी आई थी बिल्कुल एज इट इज़ सिमिलर ही, थोड़ा सा चेंज था, स्लाइटली था, तो हमने इसको मार्क यहाँ कर दिया, और टू सेकेंड वैल्यूज़ के लिए इसको मैंने इससे हल्का सा नीचे मार्क कर दिया है, ठीक है। फिर थर्ड वैल्यू आई थी मेरी 0, जो कि मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है, और थर्ड वैल्यू मेरी आई है यहाँ पे 0। फिर फिफ्थ वैल्यू आई है 0.068, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0.068 को मार्क कर देता हूँ। और फिर अगली वैल्यू आई है 0.055, तो इसको मैंने यहाँ मार्क कर दिया। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी मार्क करना है और इसको और मार्क करना है। अब यहाँ से आप जो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉप कर दें ताकि वैल्यू सेम आ जाए आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बन गया है। इसको आप थोड़ा सा उठा के यहाँ कर लें क्योंकि एक्यूरेट नहीं है ये, तो इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। सिमिलरली इसको भी यहाँ पर ले आएंगे, टच कर लेंगे, और इसको भी स्ट्रेट लाइन बस हमने ड्रॉ करनी है यहाँ पर, जो कि हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये काम कर लिया। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि आपके पास एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम कहलाएंगे, ठीक है। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम कहलाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर मालूम करनी है फाई। अब फाई कैसे मालूम करेंगे, तो मैं यहाँ पर उसके लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके लिए भी फाइव वैल्यूज़ को कंसीडर कर रहा हूँ, या मैं इसके लिए मैं थ्री वैल्यूज़ को ही कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 4 और 5 एज इट इज आएंगी। तो यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया है ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, एंड ये चौथी वैल्यू। तो जो पहला एंगल हमारा आया था, पहला एंगल जो आया था वो आया था -60, ठीक है, उसके लिए, और फिर देन आया था +60। तो -60 प्लस के लिए आया था, तो लेट सपोज कि मेरा -60 ये है, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है। तो ये मेरा -60 है, ये मेरा -60 हो गया, और ये मेरा हो गया -138। फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत आ सकती है सबके रीडिंग्स में, तो उसमें कुछ मसले की बात नहीं है। फिर C2 हमारा आया था -138, ठीक है। फिर C3 मेरा आया था 0, और C4 है फिर मेरा 60, एंड इसी तरह का C5 आपके पास दोबारा सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आपको नेगेटिव वाले को यहाँ पे +60 पे आपने ड्रॉप कर दिया, और ये वाला हो जाएगा 138 के ऊपर ड्रॉप। फिर ये 0 पे आएगा, एंड देन ये 60 के ऊपर एंगल चले जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, तो इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और जो यहाँ पे जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ये है 0 के लिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर भी सिंपल यही करना है, ये है आपका 60, और सबसे ऊपर वाला जो है आपके पास ये वाला, ये हम बोल देते हैं कि ये है आपके पास 138, इस तरीके से, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है, और इसका जो अच्छा यहाँ पर भी आपको वैल्यूज़ को ऐसे ही लेना है, 1, 2, 3, 4, और ये एन ओमेगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है, -2, -3, -4। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ताकि एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट जो है वो जल्द से जल्द इसको क्लियर कर सके। थैंक यू।